अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब हो रहा है सुबह का नाश्ता। नाश्ते में है मेरे लिए चाय बिस्किट और नवाल के लिए है अंडा पराठा। तो संडे का दिन है और आज जाना था हमें शॉपिंग पे, तो सबसे पहले मैंने सफाई की और ये दो सूट निकाल लिए जो है मेरे, एक है ढोलकी का और एक है मेहंदी का। तो इन दोनों सूट को जो है मुझे सेट करना था, एक को तो मुझे मुकम्मल सिलाई करना था और एक की थोड़ी सी फिटिंग करनी थी, क्योंकि ये मैंने रेडीमेड लिया था और ये बहुत ज़्यादा मतलब लूज़ है मुझे, तो इसे मुझे टाइट करना था। तो ये रहा मेरा सूट जो मैं पहनने वाली हूँ मेहंदी पे, इसे तो मैंने आज ही फाइनल किया है, बस इसको फिटिंग करनी थी, कुछ भी नहीं था। और जो दूसरा सूट है ढोलकी वाला, वो मैं बाजार से आने के बाद कंप्लीट करूँगी, क्योंकि वो मुझे परसों पहनना है। तो ये तो हो चुका है मेहंदी का सूट। इसका ट्राउज़र देखे बहुत ही खूबसूरत सा है, कढ़ाई हुई है, शर्ट सिंपल सी है और दुपट्टा सभी के हो चुके हैं, बस ये मेरे ही दो सूट रहते हैं। तो एक तो ये हो ही गया, बस एक ही रहता है जो मैं आज ही कर लूँगी कम्प्लीट। किचन में आज पकने की तैयारी हो रही है, मज़ेदार सा चिकन पुलाव। चावल भिगो दिए हैं, चिकन साफ है, प्याज चूल्हे पे फ्राई हो रहे हैं। ना खाएंगे और जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, सिलाई का और टाइम नहीं मिलेगा फिलहाल, थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ कर ही लेती हूँ। और उसके अलावा कमेंट में मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कराची से हैं कि नहीं, आपका मतलब लहजा बात करने का कराची का वालों का नहीं लगता, तो मैं कराची से ही हूँ। और आपको क्या लगता था कि मैं किस शहर से हूँ? बाय द वे जो है मैं कराची में ही रहती हूँ। किचन की सूरत हाल दिखाने के बाद अब मैं जाती हूँ अपनी मंजिल पर, यानी सिलाई करने। तो नवाल की मेहंदी वाले सूट के लिए मैंने बनानी है लटकन अभी, और जो है ना उसके लिए सारी जो है ना मैं चीज़ें कट करके ले आई हूँ। ये रही ये तो मेन जो डोरी होगी लटकन होगी वो, और उसके साथ ये डिज़ाइनिंग के लिए सही मैंने लंबा काम ढूंढा है अपने लिए। तो अब मैं जल्दी से इसको सिलाई कर लेती हूँ पहले। तो चिकन पुलाव अब रेडी हो चुका है और इसकी रेसिपी आपको आई बटन पे मिल जाएगी। और ये रही मैंने बना ली है, अब भी बस इसकी डोरी लगना बाकी है और ये ज्वाइन होंगे इसके साथ, वो भी मोतियों से। तो बस ये जब ये फाइनल हो जाएगी तब मैं दिखाऊंगी, अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो जाने से पहले पहले मैंने ये काम तो कर दिया। इसके बाद हम निकल पड़े थे शॉपिंग करने के लिए, तकरीबन 4 बजे तक तो मैंने सिलाई की थी और फिर हम निकले थे शॉपिंग के लिए काफ़ी लेट। वापस आए थे और बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, स्पेशली जो है ना हमें लेनी थी ज्वेलरी और मुझे मिल गई, और इसके अलावा भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। तो शॉपिंग करने के साथ ही हमारी नज़र पड़ गई इन क्लॉथ्स पर, जो मुझे बहुत पसंद आई थी मगर मैंने ली नहीं थी, अब मैं दोबारा ज़रूर जाऊँगी इसे लेने के लिए। तो बाज़ार से आने के साथ ही मैंने रख दी है चाय, चाय भी अब तकरीबन रेडी हो चुकी है और मुझे ये गिर भी चुकी थी, और मैंने साथ ही साथ निकाला है ये गर्मा गर्म बोल रही हूँ, ठंडा ठंडा सा ताज़ा फ्रेश मक्खन। और ये रही लस्सी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बाय द वे ये भी नहीं पसंद है मुझे। हम इससे बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन चंगेज़ी, उसके लिए हमने ये मक्खन निकाला है। तो अब मैं जो है ना इसे भी रख देती हूँ, खाना भी मेरा गर्म हो चुका है, अब खाना लेते हैं, चाय लेते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो आज तो मैं बहुत थक चुकी थी, ब्लॉग मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।